स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस have studied सब्जेक्ट the क्लास वी borrowing स्टडीड अबाउट विदाउट are नाउ वी आर next टू is इज with borrowing means borrowing means what uh, हमारे पास अगर कोई चीज नहीं रही तो हम दूसरों से उधार लेते हैं कर्जा लेते हैं तो इसी प्रकार से ये बोरोविंग uh, हमको करना है थ्री माइनस सिक्स ये दोनों वंस वंस में है थ्री ये स्मॉल uh, है देन सिक्स तो बड़े छोटे में से बड़ा नंबर माइनस होता है क्या नहीं बड़े में से छोटा नंबर हम माइनस करते हैं तो इस वक्त क्या करते हैं हम उसको कट करते हैं बोरो करते हैं थ्री को कट करके कितना आएगा थर्टीन कर लेते हैं कितना थ्री को कट करके थर्टीन फाइव को कट करके फिफ्टीन फोर को कट करके फोर्टीन जीरो को कट करके टेन ऐसे हम बोरो करते हैं थर्टीन माइनस सिक्स थर्टीन माइनस सिक्स तो सिक्स से स्टार्ट करेंगे थर्टीन तक लेंगे ओके okay, सिक्स के बाद क्या आता है सेवन एट नाइन टेन ये फाइव हुआ ट्वेल्व थर्टीन कितना आ, आया है सेवन कितना आता है थर्टीन माइनस सिक्स सेवन आप लाइन्स गिरा के भी कर सकते हो थर्टीन माइनस सिक्स uh, अगर करे तो कितना आता है सेवन आता है ओके okay? अभी हम सेवन माइनस फोर ये पॉसिबल है क्योंकि सेवन ये बड़ा है और फोर छोटा है तो बड़े से छोटा नंबर ये माइनस होता है बट क्या किए हमने इससे बोरो किया था हमने इससे लिया था हमने तो हम क्या करेंगे अगर हम ये माइनस हो रहा है बट हमने इसको बोरो किया था तो हम हम इसको सिक्स मतलब एक से कम करेंगे सिक्स माइनस फोर एक मतलब वापस दे देंगे ओके तो सिक्स माइनस फोर कोई भी चीज हमको लेने के बाद वापस करना पड़ता है तो सिक्स माइनस फोर करेंगे सिक्स माइनस फोर कितना आता है टू आता है ओके अभी फिर से फाइव एंड uh, नाइन है फाइव में से नाइन फाइव कैसा है छोटा है और नाइन क्या है बड़ा है तो छोटे से बड़ा नंबर माइनस होता है क्या नहीं तो हम क्या करते हैं इससे को कट करके फिफ्टीन लिखेंगे ओके फिफ्टीन माइनस नाइन नाइन से आगे के तक गिनो फिफ्टीन तक नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन कितना आता है सिक्स कितना आता है सिक्स ओके देन सिक्स माइनस फोर इज पॉसिबल बिकॉज सिक्स इज स्म ग्रेटर देन फोर सिक्स ये बड़ा है और फोर छोटा है ओके सो सिक्स माइनस फोर पॉसिबल है बट हमने यहाँ बोरो किया था इसलिए हम एक कम करके वापस दे देंगे इसको फाइव माइनस फोर फाइव माइनस फोर मतलब की वन आता है एंड फोर माइनस टू फोर माइनस टू इज पॉसिबल फोर ये बड़ा है और टू छोटा है तो क्या आएगा टू ऐसे आपको सबस्ट्रैक्शन करना है विद बोरो नेक्स्ट है एट माइनस नाइन एट ये स्मॉल है और नाइन ये ग्रेटर है छोटे से बड़ा नंबर माइनस होता है क्या नहीं तो हम इसको कट करते हैं बोरो करते हैं दूसरों से लेंगे इससे तो एटीन एट को कट करके क्या लिखेंगे एटीन एटीन माइनस नाइन नाइन है ना नाइन एक दिनों नाइन के बाद क्या आता है टेन 11, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन मतलब क्या आया नाइन आया ओके okay, देन सिक्स माइनस सिक्स इज पॉसिबल बट हमने यहां से लिया था तो हम क्या करेंगे सिक्स को कट करके लेंगे फिफ्टीन सिक्स को कट करके फिफ्टीन लेंगे ओके सो सिक्स फिफ्टीन माइनस सिक्स क्या क्या लेंगे हम फिफ्टीन माइनस सिक्स तो कितना आता है फिफ्टीन माइनस सिक्स कर करने के बाद फिफ्टीन सिक्स के बाद का नंबर सेवन एट नाइन टेन अलेवन कितना हुआ फाइव अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन मतलब कितना आता है फिफ्टीन माइनस सिक्स मतलब कितना आता है नाइन आता है कितना आता है नाइन फिर से एक बार uh, करेंगे सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन मतलब कितना आया दे टू माइनस वन टू माइनस वन टू माइनस वन इज पॉसिबल क्योंकि टू ये आ, बड़ा है वन से ओके okay? तो आ, बड़े से छोटा नंबर माइनस होता है तो आ, क्या करेंगे हम यहाँ नाइन हुआ तो टू माइनस वन इज पॉसिबल बट क्या हमने यहां से लिया था एक नंबर एक एक लिया था तो हम इसको वापस करना पड़ता है तो यहाँ वन आएगा वन माइनस वन जीरो ओके देन थ्री माइनस सेवन थ्री माइनस सेवन इज पॉसिबल है क्या क्योंकि थ्री ये छोटा है और सेवन बड़ा है तो छोटे से बड़ा नंबर ये माइनस नहीं हो सकता इसीलिए हम इससे लेते हैं है ना तो लेने के बाद इससे हम लेने के बाद यहाँ क्या करेंगे थ्री को कट करके थर्टीन लिखेंगे और थर्टीन माइनस सेवन करके देखो सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन कितना आता है सिक्स आता है कितना आता है सिक्स आता है एंड देन फाइव माइनस थ्री मतलब फाइव में से थ्री माइनस होता है क्योंकि फाइव ये बड़ा है और थ्री छोटा है बट हमने यहाँ कट किया है तो इसको वापस कर देंगे मतलब यहाँ फोर लिखेंगे अगर यह माइनस होता हो तो सिर्फ एक से कम करना है फोर माइनस थ्री कितना आता है वन कितना आता है वन ओके सो ऐसे आपको बॉरविंग करके ये सब्सट्रैक्शन uh, सॉल्व करना है बाकी के एग्जाम्पल ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज uh, एक्सरसाइज है ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज एलेवन एक्सरसाइज एलेवन का ये दो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है अभी जो ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तक ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तक आपको सॉल्व करना है ओके okay? ये आपके लिए होमवर्क है ओके okay, स्टूडेंट्स तो मिलते हैं नेक्स्ट आने क्लास में बाय टेक केयर एंड थैंक यू Solve your um, exercise 11.